हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पसंद है इंस्पिरेशनल टाइप की मूवीज़ देखना तो ये पांच मूवीज़ आप मिस कर रहे हैं, आपको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन पे है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये मूवी एक रैग्स टू रिचेस स्टोरी है जिसमें विल स्मिथ ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया है। क्रिस गार्डनर की कहानी है जिन्होंने हार न मानी और अपने सपनों को सच करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। ये मूवी आपको यकीन दिलाएगी कोशिश और मेहनत से कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। नंबर टू पे है द सोशल नेटवर्क। ये मूवी फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग की कहानी है जिसमें कि आयशनबर्ग ने मार्क जुकरबर्ग का किरदार इतने सही से निभाया कि उनकी स्ट्रगल, डिटर्मिनेशन और इनोवेशन से प्रभावित होंगे। इस मूवी में आपको पता चलेगा कि कैसे एक आम हार्वर्ड स्टूडेंट एक सोशल मीडिया रेवोल्यूशन कर सकता है। नंबर थ्री पे बात करूंगा, ये बॉक्सिंग मूवी है रॉकी, जिसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ने रॉकी बैल्बोआ का किरदार निभाया है। ये मूवी एक अंडरडॉग की कहानी है जिसके सपने बहुत बड़े होते हैं लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो कभी हारना नहीं चाहता। रॉकी बैल्बोआ की कहानी से आप सीखेंगे कि हार कभी असली हार नहीं होती, बल्कि तब हार होती है जब हम लड़ना ही छोड़ देते हैं। नंबर फोर पे बात करूंगा द शॉशैंक रिडेम्पशन की। ये मूवी एक सच्चाई पर आधारित है और हमें सिखाती है कि एक असली आज़ादी दिल से होती है। टॉम रॉबिन्स और मॉर्गन फ्रीमैन ने इस मूवी में अपनी एक्टिंग से हम सबको घायल कर दिया। इस मूवी के थ्रू हम जानते हैं कि कैसे एक इंसान बंदिशों के बीच में भी अपने सपनों को पा सकता है। नंबर फाइव, डेड पोएट सोसाइटी। ये मूवी एक आदर्शवादी टीचर के किरदार को दिखाता है जिसे रॉबिन विलियम्स ने निभाया है। इस मूवी से आप सीखेंगे कि जिंदगी एक कविता है और हर पल जीने को नज़रिया बदल सकता है। ये मूवी आपको मोटिवेट करेंगी और आपके सपनों को चेस करने के लिए मदद करेंगी।